नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड स्टोरीज़ ऑफ लियो टॉल्स्टॉय से मैंने पढ़ी है। तो ये जो कहानी है उस कहानी का नाम है डेथ ऑफ इवान इलियाच। ओके, ये जो है वो सेकंड स्टोरी इसमें दी गई हुई है, लेकिन ऐसा कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता नहीं है कि यहाँ पर आप देखोगे डेथ ऑफ इवान इलियाच लिखा हुआ है। तो ये जो है वो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। लियो टॉल्स्टॉय लाओत्सो भी कई बार आपने सुना होगा। तो इनकी जो कहानीज हैं कहानियाँ हैं वो जीवन के दर्शन को उजागर करती हुई कहानियाँ हैं। और जिस जो आदमी आम आदमी जिस एक चक्र में घूमते रहता है उस चक्र को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये स्टोरीज आप देखोगे तो 1850s या फिर उसके बाद की जो है वो कहानियाँ हैं। तो इनकी जो कहानी है वो अभी के मतलब 150 साल बाद भी उतनी ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि जो इंसान का मन है वो मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नया नहीं है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भले ही आपको देखने को मिल रही हो, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। और वही कारण है कि आप देखोगे कि जो बहुत पुरानी किताबें या फिर दर्शन है, वेदांत फिलॉसफी है, वो आज भी वैलिड इसलिए है क्योंकि इंसान का मन आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, ये इस बात का सूचक नहीं है कि आपके पास से जो है वो क्रोध कम हो गया, आपके मन से जो है वो कामनाएं ख़त्म हो गई, ये इस बात का सूचक नहीं है। तो इसलिए जो है वो इसमें अब आते हैं इस कहानी पे कि पहले तो ये बात मैंने आपको बताई कि क्यों आपको पढ़नी चाहिए ये सभी बुक्स। अब आते हैं कहानी की, डेथ ऑफ इवान इलियाच। तो जो एक आम आदमी चाहता है जीवन में कि उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, शादी हो, बच्चे हो, समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिले, उसमें एक पर्सन को ऐसा ही आइडियल बनाया गया है। और उस पर्सन वो आदमी जो रहता है वो अपने स्कूल में भी मतलब ठीक ठाक पढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसकी अच्छी अच्छी जगह जो है वो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है वो जॉब भी लगती जाती है, प्रमोशंस ये सब भी होते जाते हैं। उसके बाद जो है उसके जीवन में एक सुनापन रहता है कि कोई लड़की आए, शादी हो, वो भी होती है, फिर जो है वो बच्चे भी होते हैं। और मेन जो है वो इसमें ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है स्टोरीज़ का कि उसे एक बीमारी हो जाती है, प्रोबेबली इंस्टेंस्टाइन की कोई बीमारी होती है, और उस वजह से जो है वो उसके फिर बॉडी पार्ट्स भी जो है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और उसकी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे और भी ख़राब होती जाती है। तो उसे इसमें बताया गया है। तो जब वो एक तरह से व्हील चेयर पर होता है या जब एकदम शिथिल होता है, उसके लिए वर्कर्स लगे रहते हैं, तो वो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि वो अपने आप से करता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं क्यों जीना चाहता हूँ, क्या मैंने पहले नहीं जिया, क्या जो अभी मेरी बीमारी के बाद की स्थिति है, क्या मेरी स्थिति इससे पहले जो मेरी स्थिति थी क्या वो अच्छी स्थिति थी, तो क्या मैंने नहीं जिया, या जीवन क्या है, कौन मर जाएगा। तो इस तरह की जो है वो प्रश्न उसमें वो आदमी करता है जब उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है, और उसे लगता है कि जो उसने ज़िंदगी भर किया है क्या उससे उसे संतुष्टि मिली या नहीं मिली, अगर मिली तो फिर अभी वह संतुष्ट क्यों है। और ऐसे जो है वो बहुत ही नाजुक पलों को वो अपने बारे में सोचता है, कई बार होता है, और जो फिजिकल बॉडी पेन होता है उससे उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है या फिर उसके जो बच्चे होते हैं वो उसे ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। तो ये बात अभी के लिए भी लागू होती है कि आदमी का जो अपना दुख है वो कोई बांट नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए भले ही आपको सहानुभूति के लिए कोई देने आ जाए या फिर आप किसी को सहानुभूति देने आ जाओ, लेकिन कोई किसी का पूरा दुख नहीं बांट सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको खुद पढ़ने के बाद पता चलेगी आप इस पर क्या सोचते हो, क्योंकि ये सभी कुछ कहानियाँ हैं जो कि सिर्फ कहानी नहीं है, वो आप जब उस पर सोचोगे, मनन करोगे, तो फिर आपके पास
वैलिड रीजंस आएंगे, आपके सोचने की तर्क क्षमता बढ़ेगी, आपके जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण बनेगा। तो इसलिए जो है वो ऐसे फिलोसोफर्स को, ऐसे राइटर्स को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए कि यस व्हाई शुड वी स्टडी सच बुक्स। तो पढ़ो आप, मैं चाहूँगा कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ ताकि आप जो है वो इस बुक को पढ़ पाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।